शिखा जी, मैम, बंगाल चुनाव में एक तो देखिए ये सीमावर्ती राज्य होने के साथ यहां पर घुसपैठ का एक मामला है जो बीजेपी लगातार उठा रही है। यहां एक मुद्दा अचानक से ऐसा लगता है सीएए एनआरसी गायब हो गया है, जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। भाई भतीजावाद है मैम, भ्रष्टाचार है मैम, आपको क्या लगता है कि वो कौन से जमीनी मुद्दे हैं जो इन विधानसभा चुनावों में यहां पर महत्वपूर्ण होंगे और सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ा देना? शिखा मैम, क्या ये एक ऐसी सवाल आपने एक साथ पूछ ली? ठीक है ठीक है, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए तो जरा वक्त दीजिएगा प्लीज। देखिए, यहाँ पे जो मुद्दा है, ये राज्य का प्रदेश का चुनाव है, तो इसलिए डेवलपमेंट का जो मुद्दा है वो बहुत बहुत महत्व रखता है। और यहाँ पे बीजेपी कह रही है कि ये डबल इंजन सरकार चलेगी यहाँ से, यहाँ और मोदी जी यहाँ यहाँ के चेहरा है, इन द सेंस कि वही लीड करेंगे, बाकी लोग यहाँ पे लड़ेंगे ऑन द ग्राउंड। तो ये तो एक है। और डेवलपमेंट के अलावा जो मुद्दे हैं उसमें से मुझे लगता है कि आपने जैसे जिक्र किया घुसपैठ और सीएए, एनआरसी को तो अमित शाह जी ने दिसंबर में ही कह दिया था कि ये अभी मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि इसका ये अभी पैंडेमिक के बाद होगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो सीए एनआरसी का मुद्दा है असल में, कि कौन घुसपैठ है, कौन यहाँ का नागरिक है और कौन यहाँ का नागरिक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे रह रहे हैं, ये मुद्दा लेकिन बीजेपी ने छोड़ा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वो आप देख लीजिए ना कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं बांग्लादेश, और वहां पे वो कहाँ जा रहे हैं, वो मतुआ समाज का जो अपना जगह था, अपना जहां से वो आए हैं जी, वहां वो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आइडेंटिटी और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके उनके लिए उनके उनके पास पहुंचने के लिए बीजेपी, लेकिन लगातार जो प्रचार उनकी थी, सीएए एक नाम था, लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा अभी भी जारी है और ये मुद्दा वो बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है जी, और छोड़ना ना ही उनके प्रचार में ये छूट रहा है। मोदी जी ने भी इसका जिक्र किया, अमित शाह जी जिक्र करते हैं और मोदी जी तो बांग्लादेश जा ही रहे हैं। तो तीसरा जो है कि ये जो लिस्ट आज बीजेपी ने अनाउंस की, सेकंड लिस्ट जी, इसमें काफी सारे लोग ऐसे हैं जो एमपीज हैं, उनको रिजाइन करवा के वो उन्होंने एमएलए के हिसाब से नॉमिनेशन का लिस्ट में डाल दिया। तो इसका मतलब ये होता है कैंडिडेट की कमी नहीं है बीजेपी में। ये मैं कभी नहीं कहूंगी कि पश्चिम बंगाल में जहाँ पे पॉलिटिकल करियर्स बनाने के लिए लोग बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, लेकिन उनमें विनेबल नाराजगी नहीं कैंडिडेट होगी मैम? वो स्थानीय नेता जो मेहनत कर रहे हैं, जो बिल्कुल इस होगी। उम्मीद में, देखिए देखिए बीजेपी में इस वक्त पुराने लोग और नए लोग जो टीएमसी से आ रहे हैं और जिनको तुरंत टिकट मिल रहा है, बहुत उनका क्या बहुत उनको पैम्पर किया जा रहा है जी, इसमें आदि और नोबो, यही उनका विभाजन है। ठीक है और मैम, वहां पे जरूर फैक्शंस हैं, मैम मैम लेकिन लेकिन मैम जो शिखा मैम, इम्पोर्टेंट नेक्स्ट है, सेगमेंट में मैं जस्ट इसको बोल लूं, जी, क्योंकि जो भाजपा ने टीएमसी के लिस्ट के ऊपर टिप्पणी दी थी कि ये तो सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से भरे हुए हैं, बिकॉज टीएमसी की पॉपुलैरिटी कम होती दिख रही है, तो ये एक बूस्टर के हिसाब से वो एक्टर्स और टॉलीगंज के जो सिनेमा इलाका है वहां से उन्होंने लोगों को बाबुल सुप्रियो को नॉमिनेशन दे दी। ठीक है मैम, भाजपा का इस लिस्ट में वही दिख रहा है। ठीक है मैम।